इधर देखिए सनसेट होने वाला है। भाई भी गांव की कुछ यादगार तस्वीरें ले जा रहे हैं अपने साथ दिल्ली, और हमारे नाम भी लड्डू छूट गए हैं। बस मैं जिस बस में हम आए थे अगस्त में तक, तो इधर से लेके और ठेठ उधर तक कितना लंबा है। उधर देखो इतने सारे लोग हैं, ऐसे लग रहा है पूरी बारात बैठ गई इधर। आ सकते हैं अब, ताला लगा यहाँ की सिक्योरिटी ऐसी है, ताला लगा है इसलिए यहाँ गए। अरे ये क्या आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है दर्शन और स्वागत है आप सभी का दर्शन सिंह व्लॉग्स यूट्यूब चैनल के एक और नए व्लॉग में। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सभी मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद यार व्लॉग की शुरुआत हो रही है, और करीब सुबह के 8:30 बजने का समय हो रहा है। धूप देखिए मस्त सी आ चुकी है, ये देखिए। और आजकल जो है गेहूँ की फसल भी काफ़ी अच्छी हो गई है, सुनहरी हो गई है, जिसे सोना कहते हैं। आज हम लोग रेडी हो रखे हैं शादी में जाने के लिए। हे दोस्तों, हम लोग दुर्ग्याट पहुंच गए हैं, और कुछ ऐसा माहौल है अभी सुबह का दुर्ग्या का। अभी मेरे साथ है बंटी भाई, और देखिए कुछ ऐसा है यार। ये अपने लड्डू के डब्बे भी तैयार हो चुके हैं, और एक तो ये है, और इस तरफ को हैं कोगेन, और ये है आगे सामान। और हमारी रीना दीदी भी पहुँच चुकी है, क्या हाल चाल? और हमारे नाम भी लड्डू छूट गए हैं। बस मैं जिस बस में हम आए थे अगस्त में तक, बस में लड्डू छूट गए हैं। तो अभी मतलब भगा रहे हैं गाड़ी को, देखिए तो काफ़ी आगे चलेगी यार बस। और बस ना यही वाली बस है, इसी में है लड्डू, इसी में है लड्डू गाइस, यही च देखिए दोस्तों ये लड्डू मिल गए हैं। पहुंच गए हम लोग जलाई में, और बंटी भाई देखिए। अभी शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं, और हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब, जो कि सीधा दिल्ली से यहाँ पहुँचे हैं। और अभी शाम का माहौल ना, अभी शाम का माहौल काफ़ी अच्छा है, देखने लायक माहौल है इधर का। यानी कि जो इधर गांव की औरतें रोटी बना रही हैं, तो इधर से लेके और ठेठ उधर तक कितना लंबा है। उधर देखो इतने सारे लोग हैं, ऐसे लग रहा है पूरी बारात बैठ गई इधर, इतने सारे लोग रोटी बना रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा गांव में घूमने के लिए जा रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घूम के आएंगे। यहाँ पे माँ ज्वालपा देवी का मंदिर भी है। आज ना दीपू भाई खुश हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली से आए हैं और काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौसम मिल रहा है ना। बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ देख के। दिल्ली में तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और शुद्ध वाले हवा चल रही है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ऐसा लग रहा है छोड़ भी ऑक्सीजन रहे और ले भी ऑक्सीजन के। रास्ते ना काफ़ी अलग है हमारे गाँव से, क्योंकि हमारे गांव में एक दो ही लगभग 2-4 ही परिवार हैं, और इधर काफ़ी हैं, घर बार भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए रास्ते ऐसे हैं और साफ सुथरे भी हैं। जैसे पुराने मकान है क्या, मस्त मकान आए हैं, काफ़ी अच्छे मकान हैं ये लोग। अभी हम लोग सोने भाई के पुराने घर में जा रहे हैं, पुराना वाला घर, और ये पुराना घर ये वाला सोनी भाई का है, और ऊपर किसी और का है। हम यहाँ नहीं जा सकते हैं, अब ताला लगा, यहाँ की सिक्योरिटी ऐसी है, ताला लगा है इसलिए यहाँ गए। अरे ये क्या, चलो अंदर घूम गया था, एक राउंड अंदर घूम गए थे। ये देखो आए है पुराने मकानों के ना, बात ही अलग है यार। देखिए ये है पुराने घरों की खुंटी नहीं कुछ सीढ़ी, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, यहाँ कोई लोग रहते हैं। और हम लोग ये ऊपर कोई रहता है और नीचे भी उस वाले में कोई रहता है, और हम लोग यहाँ सीधे घुस गए, हमने किसी को पूछा नहीं है। तो भाई को हमने बताया था हम उधर जा रहे हैं, और सीधे यहाँ घुस गए। कोई आएगा तो शायद गाली खाएंगे, देखते क्या होता है, मारी पड़ सकती है। हम यहाँ आते भी नहीं है, पर कोई बात नहीं,
इस तरफ को ये मकान थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि लोग ऐसे है ना कि अब बाहर बस जाते हैं तो हो जाता है थोड़ा। ये देखो कुछ पुराने मकान यार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। और ये कुछ प्लान का काम है, मतलब कि खराब हो गए हैं, टूट गए हैं। इधर भी देखिए यार टूट गया है चुकी है कसम से। यहाँ पे कंडली देख बे, अब इंसान को यहाँ देखो ज्यादा कनाली हो गई, कनाली कंडाली बिच्छू घास जिसे बोलते हैं, तो हम गढ़वाले में हम लोग कनाले बोलते हैं। अब ये जो मकान है ये काफी सालों से ऐसे ही है, और इनकी जो चिनाई है ना विशेष तरह की है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं विशेष तरह की चिनाई, ये देखिए विशेष तरह की चिनाई है ये। ये देखिए कुछ ऐसी दीवारें हैं, कुछ ऐसी चिनाई है अपने पहाड़ों की मजबूती। ये देखिए इधर छोटे छोटे पत्थर, और उसके बाद इतने बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे और बड़े। इधर देखिए, इधर देखिए सनसेट होने वाला है। भाई भी गांव की कुछ यादगार तस्वीरें ले जा रहे हैं अपने साथ दिल्ली, और यह काफ़ी अच्छा धारा है इधर पे। तो गाइस भाई यहाँ पे धारे का पानी मैं पहाड़ू को रे बसी तो दिल्ली रहने वाली। देखिए यहाँ ना यहाँ की फसल कितनी अच्छी है। अच्छा यहाँ देखिए यहाँ मस्त सा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, तो दोनों भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है यार, भाई भाई साथ में खड़े रहते हैं। चित्ते हैं चित्ते है, पूरा सोना है सोना भाई। देखिए क्या मस्त खेती है, मतलब खेत भी मस्त लग रहे हैं, और उनमें जो फसल है तब और भी, मतलब लगा लो खेतों का जो आभूषण है वो फसल है। फसल है और पूरा पक गया है, पक गया है। इधर देखो ये पक गया है, और ये देखो सनसेट होने लग गया है, और ये गेहूं की फसल है। इस तरह के हैं जलाई के रास्ते। देखिए ये है टिमले का पेड़। मैं झूठ बोल रहा हूं, टिमला है वो। देखिए छोटे छोटे टिमले भी लगे हुए हैं, पके नहीं अभी, पके नहीं है। जब पकेंगे तो अपने गांव वाले तिमले बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी शाम के करीब 8 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट बाकी हैं, और नीचे अभी खाने की तैयारी चल रही है मस्त। इधर डीजे भी लग चुका है, और शाम के ऐसे मौसम में चाय का आनंद ही अलग है।